इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सरसाइज, तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रनिंग कर लेना घर में, अगर तुम छत पे हो तो धीरे धीरे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टोके ऊपर टोके ऊपर हिल ऊपर रहेगी, टोके ऊपर थोड़ा थोड़ा रनिंग कर लेना, जॉगिंग कर लेना घर में कहीं पर भी हो, पहले रनिंग कर लेना एक या दो किलोमीटर रनिंग करके बाहर से आ गए, उसके बाद थोड़ा घर पर भी ऐसे जॉगिंग कर लेना। अब ऐसे आपको 2-3 मिनट्स करने के बाद ऐसे जॉगिंग स्पॉट जॉगिंग या फिर तुम दौड़ के आने के बाद तुम क्या करोगे, स्किपिंग। द नेक्स्ट थिंग इज स्किपिंग। स्किपिंग अगर नहीं करोगे लोअर सर्किट बोलते हैं इसको, तो कमर के नीचे को बोलते हैं लोअर सर्किट और कमर के ऊपर को बोलते हैं अपर सर्किट। तो लोअर सर्किट ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ फिटनेस एंथुसियास्ट। अगर तुम लोग नए हो, तुमको फिटनेस को पसंद करते हो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोअर सर्किट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए स्किपिंग से शुरू करते हैं। पहले जॉगिंग कर लेना है या फिर स्पॉट जॉगिंग, अगर घर में बाहर जगह नहीं है तो घर के छत पर स्पॉट जॉगिंग कर सकते हो, उसके बाद हम लोग स्किपिंग में आएंगे। हिप का काम हो गया, अब हम लोग आएंगे शोल्डर्स पे।
So 1, 2, 3, 4. Or just opposite hoga. 1, 2, 3, 4. Iske baad 1. Only the shoulders will move. Kamar pe hath rakh dena hai. Fir 1, 2, 3, 4. Iske baad opposite. 1, 2, 3, 4. Iske baad shoulders sirf joints nahi hai. Maine halaki bola ki har joints pe tumko focus karna hai. Isliye elbow ek joint hai. Fist bhi ek joint hai. Fist ke upar 1, 2, 3, opposite. 1, 2, 3. Up, open kar dena isko. 1, 2, 3. Up, fir se opposite. 1, 2, 3. Up, 1, 2. Grab karna hai badhiya se. Isse fist mein energy aayegi. As well as tumhara jo fingers hai, ye bhi flexible ban jayega aur active ban jayegi. 1, 2, 3, 4, 5. Now, isko support dena hai, isko fist karna hai se. Elbow bahar nikla hua rahega. Elbow ke just thoda upar tumko ye fix up karna tha. 1, 2, 3, 4, 5. Same will be repeated on the left hand. Toh hum log left haathon se bhi karenge. 1, 2, 3, 4. Then opposite. 1, 2, 3, 4. फिर से खोल देंगे इसको 1, 2, 3, 4. फिर opposite. 1, 2, 3, 4. फिर 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको elbow के पास हाथ को कैसे करना है. And make sure your joints हो, your hands और इसको मार मार. जैसे मैंने बोला था fix है. 1, फिर इसको change करके 2. ऐसा तुमको 5 बार करना है. 3, 4, ऐसे करके 10 times हो. उसके बाद कमर में हाथ देना है. 1, neck. 2, 3, 4. Opposite watch. 2, 3, 4. Up, fit. Up, down. Punch, knee, side, shi. Now left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 1, towards the shoulder. 2, 3, 4, 5. ये था basic, just long. इसके बाद तुम क्या करोगे? ये हो गया body flex वाला. तुमको याद रखना है. देखो ये हुआ one shoulder. इसको one shoulder gap बोलते हैं. दोनों पैर के बीच ये जो पैर के gap है, ये shoulders के हिसाब से रहेंगे. So ये हुआ one. फिर अब इसको मतलब ये हो गया two shoulder. One plus one two. अब फिर से और एक बार बोलेंगे three. इतना gap रहेगा. ये याद रखना है कि three shoulder gap रखना है दोस्तों. ये यार बहुत क्या करते हैं, बहुत जन ऐसे रख देते हैं, बहुत जन इतना रख देते हैं. ये गलत है. Three, one, two and three. अब नी को स्ट्रेट रखना है एंड कमर को देखो जब घूम रहे हो वन ये जो शोल्डर है ये स्ट्रेट रहेगा और ये जो तुम्हारा हेड है वो अपवर्ड की तरह लीन हो जाएगा. ये वन और ये रहा स्ट्रेट ऐसे. वन फिर टू इसको क्रॉस हैंड्स बोलते हैं. थ्री पूरा शोल्डर स्ट्रेट हेड्स टुवर्ड्स अपवर्ड्स होते हैं. फिर फोर ये भी हाथ पूरा सीधा रहेगा शोल्डर के साथ. ये हाथ भी सीधा और तुम देखोगे इधर सामने देख सकते हो लेकिन हेड जो है तुम्हारा अपवर्ड नहीं हो जाएगा. टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके तुमको टेन टाइम्स करना है. ये हो गया बेसिक चीज. इसके बाद हमको क्या करना है सबसे पहले जब हवा के हम पहले रनिंग किए रनिंग के बाद स्किपिंग किए. स्किपिंग का थ्री सेट्स होगा 300 करके. उसके बाद मेरे वार्म अप हो गया टू मेक द जॉइंट्स फ्लेक्सिबल. अब हम लोग सबसे पहले मारेंगे सिट अप्स. बहुत जल्दी करते हैं सबसे पहले मार लेते हैं फिर सीधा फिर स्क्वाट्स. जस्ट टू बी रिदम जैसे सारे गामा का भा ये एक गाने का रिदम होता है वैसे एक्सरसाइज भी एक रिदमिटिक वे में जाओगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स तुमको मिलेंगे. सबसे पहले क्या है तुमको पैर को जॉइंट कर लेना है ऐसे. जो लोग नए हैं वो लोग का पैर ऐसे ऐसा होते रहेगा जब तुम सिटअप्स मारोगे. और ये हाथ को पीछे रख देते हैं और वन टू ऐसे करके 30 तुमको मारना है 30 टाइम्स. अब क्या होता है जो बिगिनर्स हैं या फिटनेस एंथुसियास्ट हैं जो लोग काम के वजह से कर नहीं पा रहे हैं उनको पहले मैं ऐसे कुछ नहीं पाऊंगा ऐसे कुछ नहीं पाऊंगा. उनके लिए मेरा एक ईजी सुझाव है कि तुमको क्या करना है पैर को जब पकड़ लेना चाहे वो पैंट हो या तुम ट्रैक पैंट से दौड़ रहे हो तो इसको पकड़ लेना है ट्रैक पैंट ऐसे और फिर इसको खींचना है. फिर होगा टू ये खींच के उठना है इसको खींच के ताकि ये तुमको उठने में मदद करे. क्योंकि हर किसी का पेट होता है और ज़्यादातर हम लोग का लाइफ शेड्यूल अभी बहुत बिजी चलते हैं हम लोग इसीलिए पेट निकलना कॉमन है. तो ये करने से तुम्हारा सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर तो काम आएगा ही तुम्हारा कमर के जो एक्सेस फैट है वो झड़ जाएगी. सो इसको खींच ले रहा है वन कम ऑन देन टू देन थ्री ऐसे करके तुमको 30 टाइम्स मारना है. पर जो लोग थोड़ा अच्छा कर सकते हैं ये सब तो उनको
रखना है कि हैंड्स बिहाइंड योर हेड, जो हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, और मार चेस्ट, सो टच द नी, ये इधर टच होगा हेड में, ओके, चेस्ट टच होना चाहिए, चेस्ट टच होने से तुम्हारा जो ये अपर एब्डोमेन है इधर पे भी प्रेशर पड़ेगा, मतलब रिब बॉक्स में, तो याद रखना है ये वहां, ये ऐसा नहीं बहुत देर से देखो, वन टू, ये नहीं, वन टू, और पैर फिक्स्ड अप रहेंगे, अगर पैर तुम्हारा हिल रहा है तो किसी बंदे को बोल देना कि वो पैर के ऊपर खड़ा हो जाए, या फिर तुम पैर के ऊपर कुछ वेट रख दिए है जिम का, या कुछ भी घर में जो वेट है वो घर पे रख दिए, बैग में कुछ चीजें कपड़े घुसा के बैग को इसके ऊपर रख देना ताकि ना ये हिले, दिस इज द मेन थिंग। नंबर टू, सिट अप के लिए नी, नी का ऐसे मूवमेंट्स ना हो गाइस, इट शुड बी इन अ यूनिफॉर्म लाइन, तो इसको वन टू ऐसे करके तुमको 30 करके हर बार मारनी पड़ेगी, हर सेट में 30 रहेगी और ये 2 सेट्स मारना पड़ेगा, जैसे ही तुम्हारा ये सिटअप्स हो गया अब 30 सेट्स फिर रेस्ट, फिर आपको 30 सेट्स क्या करना है, तुमको सो जाना है, लेग को ऊपर करना है, ये स्ट्रेट, ये नी स्ट्रेट रहेगा और इसको वन, ये इतना तक ही आएगा, ग्राउंड पे टच नहीं होगा, इतना तक आएगा और ये ऐसे नहीं रहेंगे, टाइट रहेंगे और नी स्ट्रेट, और फिर अप टू, फिर थ्री, फिर फोर, जो लोग नए हैं वो लोग ऐसे करके भी मार सकते हो, पैर थोड़ा बेंड होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना किसी ढंग से बाद लेग रेजेस हो, इस तरह का लेग रेजेस ऐसे ऐसे थोड़ा करते रहना है, एटलीस्ट 20 टाइम्स ऐसे, तो लोग जो लोग नए हैं और जो थोड़ा अच्छा कर पाओगे वो लोग को नी स्ट्रेट करना है, ये को टाइट और बॉडी ऐसे वहाँ इतना तक ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग, ये कमर नहीं उठेगा, ये इतना तक ही आएगा गाइस, सो वन देन टू, अब ये हो गया, अब हम लोग जाएंगे, अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये लेग यहाँ रह जाएगा फिक्स कर, जो लोग थोड़ा सीनियर है, जो लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है वो लोग छोड़ देंगे, 20 करके कुछ सेट्स मारते हैं लेग से, उसके बाद वो लोग रेस्ट करेंगे, जो लोग थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं वो लोग को पैर यहाँ रखना, फिर वन टू, ये हाथ नीचे जाएगा और जब उठोगे तो थ्री फोर, ऐसा करके तुमको 20 करना, 20 करके टू सेट्स, तो पहले हम लोगों ने जॉगिंग किया, उसके बाद स्किपिंग किया, उसके बाद हम लोगों ने वार्म अप्स किए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जॉइंट्स का, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया सिटअप्स, उसके बाद हम पैर उठा के गिराने वाले को बोलते हैं लेग रेजेस, वो किए 20 करके करना है, टू सेट्स मारना है, उसके बाद नीज को ऐसे हवा में रखना है 40, उसको 10-10 करके 2 टाइम्स करना है, रेस्ट ले लेंगे सिटअप्स के बाद, 10 सेकंड्स रेस्ट, 20 सेकंड्स रेस्ट, उसके बाद लेग रेजेस, फिर 20 सेकंड्स रेस्ट, फिर अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अभी हम लोग पुशअप्स, इसके बाद हम लोग पुशअप्स करेंगे, पुशअप्स का भी डिफरेंट वेरिएशन है बहुत, अब क्या करना है वन टू, ये स्ट्रेट रहेंगे स्ट्रेट, वन टू, और ये चेस्ट के पास, इफ आई ले डाउन मेरे ये चेस्ट के बगल में रहेंगे, ठीक है, और हाथ ऐसे नहीं रहेंगे बस इनवर्ड, ये याद रखना, बहुत जन क्या करता है वन टू थ्री ऊपर टायर लगा लेंगे, मतलब उनका बेसिक्स जीरो है, टायर लगाना बड़ा बात नहीं है, उसको कोर कंडीशनिंग स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, कोर कंडीशन कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन टायर का पहले तुमको प्रॉपर पुशअप्स भी मारने आना चाहिए, सो वन इनवर्ड, ये एल्बोज जो रहेंगे वो इनवर्ड रहेंगे, वन टू थ्री फोर, और मेक श्योर कि तुम्हारा चेस्ट के बगल में ही हैंड हो, अगर तुम्हारा हैंड आगे है तो देखना तुम्हारा हाथ में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और चेस्ट में कम, पुशअप्स में चेस्ट का 70% रहेगा और 30% शोल्डर और हैंड्स में प्रेशर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है 50-50, हाथ भी दर्द कर रहा है, शोल्डर भी दर्द कर रहा है और चेस्ट में, सो याद रखना है कि एल्बो इनवर्ड रहेंगे और वन होल्ड अप, ये वार्म अप है इसलिए होल्ड करके करने से चेस्ट में इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखाई देगा, टू अप थ्री अप फोर अप फाइव हैंड स्ट्रेट ऐसे नीचे स्ट्रेट अप डाउन अप ऐसे करके तुमको 30 टाइम्स करना है, 30 टाइम्स के 30 करके ईच सेट में रहेगा, ऐसे 3 सेट्स करना है, कितना 3 सेट्स, उसके बाद हम लोग स्क्वाट्स करेंगे, स्क्वाट्स में याद रखना है बहुत जन क्या करते हैं स्क्वाट्स ऐसे करते नहीं, स्क्वाट्स में जो नीज है वो आउटवर्ड रहेगा, आउटवर्ड वन अप ओके, देन अगेन टू अप थ्री अप, नीज आउटवर्ड जाएंगे गाइस ओके, फोर अप फाइव अप
होल्ड और बैक स्ट्रेट रहेगा, बैक ऐसा नहीं, स्ट्रेट, वन होल्ड अप टू अप, ऐसे टाइम ले लेते करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। पहले क्या करना है, 20-20 के एक सेट करने हैं, 3 सेट होगा ये, जैसे उस सबसे मैंने बोला था 3 सेट होगा 30 के सीट स्क्वाट्स भी सेम होगा, उसको बोलते हैं हाफ स्क्वाट्स, वन हाफ। बिगिनर्स के लिए हाफ स्क्वाट इज द बेस्ट, फुल स्क्वाट में मत जाना, इससे तुम्हारा पैर का वेरिएशन नीज के जो पोस्चर है वो खराब हो जाएंगे। बट हाफ, वन हाफ टू हाफ। तो इतना ही आज के लिए, वार्म अप का पार्ट वन है, मैं अगले दिन दिखाऊंगा कि वार्म अप कैसे किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और घर में खूब प्रैक्टिस करो, वार्म अप करते रहना है। अगर तुम्हारा बिजी शेड्यूल है और काम की वजह से तुम नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट रोज वार्म अप करने से तुम्हारा फिटनेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तुम एक महीना करने से तुम्हारा एटलीस्ट 2-3 किलो कम हो जाएगा, या फिर अगर बढ़ाना है तो डाइट को कंट्रोल करो तो तुम बढ़ा भी सकते हो और बॉडी अच्छे से हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, और प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ डिफेंस एंड फिटनेस एकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।